शिफिन साहब देख सकते हैं, मैं अभी कुछ देर पहले मैं उस पॉइंट पे था उतने ऊपर, और फिर अभी हम रूट पे आए, अभी आधा रूट है, अभी और नीचे जाना है। सो धीरे धीरे करके हम लोग निकाल रहे हैं। वाओ, सो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट यू नो पूरे पहाड़ पे चढ़ने का जो फील था ना, बड़ा मज़ा आ गया। सो अब आ गए, हम नीचे उतर चुके हैं, तो एंड हमारा इंजन भी स्टार्ट हो गया। सो वी आर बैक ऑन नॉर्मल रोड्स। नदी के लिए रास्ता वो रहा, देखते मेरा बाइक वहाँ तक जाता है कि नहीं। सो फार सो गुड, जा पा रहा है। OMG, लुक एट द व्यू, सही है, बच्चे खेल रहे हैं। चक्के में मिट्टी लग गई है। ओके फ्रेंड्स, सो हमने तो पहुंच गए, बाइक को करते हैं लॉक एंड फन को करते हैं अनलॉक। यस, इट्स फन टाइम। सो हम लोग थोड़ा सा आगे उस उन पहाड़ों के बीच जाएंगे एंड फिर वहाँ थोड़ा सा मस्ती करेंगे पानी में और फिर वापस आएंगे।
ओके फ्रेंड्स, सो हम वो स्पॉट पे आ गए। ये गोइलकेरा से कुछ ही दूर में है, एक घंटे के रास्ते पे है ये स्पॉट। और ये स्पॉट बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पीछे तो छोटे मोटे घाटियाँ दिख रही है। सबसे मस्त व्यू अगर आप देखोगे तो यू नो पत्थर है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, और इस व्यू का मज़ा ही कुछ और है। यू नो एक सीनिक स्पॉट बन जाता है, एंड आई लव दिस। और सबसे अच्छी बात ये है कि इधर तो नदी है ही जिस पर आप तैर सकते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता है, आपको खाली पानी के मज़े लेने हैं, तो आप ये वाला स्पॉट ले सकते हैं। ये छोटा सा पोखर बना हुआ है टोटल, तो यहाँ आपको डूबने का खतरा नहीं होता है। सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। पानी थोड़ा सा गंदा है बट डूबने लायक है। डूबने मत, मरने लायक नहीं है, तैरने लायक है। फ्रेंड्स, सो अभी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने माइक पहना नहीं है, पानी में जा रहा हूँ। सो व्यू देखिएगा, ज़्यादा गहरा नहीं जाने वाला क्योंकि बारिश का सीज़न है, नदी में पानी वैसे भी काफ़ी भर गया है। मुझे एग्जैक्टली इस नदी का गहराई का आइडिया नहीं है कितना गहरा होगा, बट हाँ एक छोटा मोटा स्पॉट मैंने देखा है, थोड़ा पानी बढ़ रहा है। सो जल्दी से कवर अप करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। कितना आ गया, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये मेरा स्पॉट है, थोड़ा डर भी लग रहा है बट फील अच्छा रहा है। मौसम अच्छा है इसीलिए नदी आने में कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये मैं आपको पत्थर दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैं सेल्फी ले रहा हूँ। ये देख रहे, ये बीच नदी में ही है, मैं ऑलमोस्ट नदी के इतने तरफ आ चुका हूँ। और ये वो पत्थर है, बाकी नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ तक मेरे को पता है कहीं दूर दराज एरिया में बारिश वारिश हो रही है, इसके वजह से पानी का लेवल भी बढ़ रहा है। सो इट इज़ वेरी सूदिंग एंड ऑल्सो डेंजरस। आदमी अक्सर है ना इन व्यूज़ में रह करके ना पानी में डूब जाते, बट मैं वो खतरा लेने वाला नहीं हूँ। सो गाइस, आप देख ही लिए, मैं ये छोटा सा डी टूर जो मैंने किया था, बहुत बहुत सही लोकेशन है, आई जस्ट लव द लोकेशन। अकेले आइए, फैमिली के साथ आइए, बड़ा मज़ा आने वाला है। एंड यस, वेदर का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गर्मी बहुत बेकार लगेगी। कम गर्मी में आएंगे, ऐसी क्लाउडी वेदर में आएंगे तो लोकेशन का मज़ा ज़्यादा ले पाएंगे। सो अब जर्नी वो एंड करते हैं, वापस से निकलते हैं रोड और चलते हैं मैं अपना होम टाउन।